जैसा कि तुम सब जानते हो कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और हर टीम की नज़रें उसी वर्ल्ड कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी के ऊपर है और इसी वर्ल्ड कप को जीतने के लिए मुख्तलिफ टीमों ने अपना स्क्वाड जारी किया है। स्क्वाड बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक तो बैट्समैन होता है और दूसरा बॉलर होता है। लेकिन मेरे लिए यार मैचेस आपको बॉलर ही जीत के देते हैं। किसी ने क्या सही कहा यार, बैट्समैन तुम्हें मैच विन करके देता है लेकिन बॉलर तुम्हें टूर्नामेंट जिता के देता है। हर टीम मुख्तलिफ बॉलिंग लाइनअप के साथ निकली है जिसके अंदर स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स सब शामिल हैं। बैट्समैन के चौके छक्कों का मजा तो आता है लेकिन जो मजा एक बॉलर के बोल्ड करने में आता है वो किसी और चीज के अंदर नहीं आता। तो यही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कौन सी ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जो 2023 वर्ल्ड कप को तबाह के रख सकती है। नंबर 5 पोजीशन पे हमने रखा है इंडियन टीम को। इंडिया वो सरजमीन है जिसको कुदरत ने बल्लेबाज तो बहुत अता किए हैं लेकिन बॉलिंग की इनके पास थोड़ी सी कमी रही है। यही वजह है कि इंडिया पहाड़ जैसा टोटल बनाने के बाद भी हार जाती है। लेकिन अब आईपीएल के बाद से इनके पास फिर भी थोड़े थोड़े बॉलर्स आना शुरू हो चुके हैं। अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो इसके अंदर शामिल है नंबर 1 ओडीआई बॉलर मोहम्मद सिराज। 140 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दोनों तरफ गेंद को स्विंग करवा सकते हैं और इनका साथ देने आ रहे हैं अर्धदीप सिंह। अर्धदीप सिंह लेफ्ट मीडियम पेसर हैं जो कि बॉल को दोनों तरफ स्विंग करवा सकते हैं। ये भी अपना वर्ल्ड कप के अंदर पक्का स्पॉट जरूर रखेंगे। इसके बाद आते हैं यॉर्कर किंग बूम बूम जसप्रीत। जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर से तो हर कोई वाकिफ है लेकिन अभी करंटली इंजर्ड है लेकिन उम्मीद है कि वर्ल्ड कप तक ये फिट हो जाएंगे। अगर आपको विकेट चाहिए तो बुमराह को गेंद दो, वो आपको विकेट लेके देंगे। चाहे गेंद पुरानी है या चाहे गेंद नहीं है, विकेट तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि स्पिन बॉलिंग में इनको युजवेंद्रा चहल के साथ जाना चाहिए। कुलदीप यादव भी ठीक है लेकिन युजवेंद्रा चहल ज़्यादा अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छे वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। और इसके साथ आते हैं रविचंद्र अश्विन। अश्विन भाई ऑफ स्पिनर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के अंदर वो भी गिल्लियाँ उड़ाने वाले हैं। 4 पोजीशन पे हमने रखा है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड यार शुरू से बहुत अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस करती आ रही है और अब तक प्रोड्यूस कर रही है। टूर्नामेंट जो मर्जी हो लेकिन न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल तो खेलना ही खेलना है। न्यूजीलैंड की तरफ से मेन बॉलर्स हैं ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी। इन दोनों की जोड़ी भाई बहुत ही कमाल है। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म बॉलर है जो कि 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों तरफ बॉल को स्विंग करवा सकते हैं। चाहे गेंद पुराना हो चाहे गेंद नया हो, ट्रेंट बोल्ट ने स्विंग तो करनी ही करनी है। और इनका साथ भी टिम साउथी बहुत देते हैं, ये भी दोनों तरफ गेंद स्विंग करते हैं और इन दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल है। ये मुझे पूरा यकीन है कि इस टूर्नामेंट के अंदर ये बहुत विकेटें उड़ाने वाले हैं। और बॉलिंग मशीन की सूरत में इनके पास है लोकी फर्गसन। ये भी 155 किलोमीटर पर आर की बॉल कराते हैं और इनके बाउंसर्स और यॉर्कर्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। बैट्समैन तो इसके सामने आने से डरते हैं। अगर स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो स्पिन बॉलिंग के अंदर ये डुओ बहुत ज्यादा फेमस है, इस सोडी और मिचेल सेंटर। मिचेल सेंटर एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है और दूसरी तरफ इस सोडी राइट आर्म लेग ब्रेक है। इनकी गूगली का तो भाई कोई जवाब नहीं है। और जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे उम्मीद है कि इस दफा का वर्ल्ड कप भी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड जरूर खेलेगी। नंबर 3 पोजीशन पे हमने रखा है इंग्लैंड की टीम को। तुम सब जानते हो कि इंग्लैंड आजकल क्रिकेट को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये पिछले 10 सालों से यार इनको पता नहीं क्या हो गया, हर मैचेस में जीत रहे हैं। पहले इन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप जीता और अब इनकी नज़रें 2023 के वर्ल्ड कप के ऊपर हैं। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो इनके पास हैं जोफ्रा आर्चर और इसके साथ साथ इनके पास मार्क वुड। ये 2023 वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बॉलिंग डुओ है। इस तरह जोफ्रा आर्चर ने पिछले साल वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई थी, मुझे पूरी उम्मीद है इस दफ़ा भी ये इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। जोफ्रा आर्चर 145-150 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे दोनों तरफ गेंद को स्विंग करवा सकते हैं। चाहे आउट स्विंग करना हो या चाहे इन स्विंग करना हो, जोफ्रा आर्चर दोनों में माहिर हैं। और इनका साथ देंगे 2022 वर्ल्ड कप के अंदर फास्टेस्ट बॉल डालने वाले मार्क वुड। मार्क वुड बहुत तेज बॉल डालते हैं, जैसा कि तुमने इनकी परफॉर्मेंस अभी एशेज के अंदर भी देखी है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। इस बॉलिंग डुओ का साथ देने आ रहे हैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर सैम करन। इनकी लाइन लेंथ जितनी पक्की है तुम सब जानते हो। इन्होंने 2022 वर्ल्ड कप के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और मुझे उम्मीद है इस दफा भी अपनी फॉर्म बरकरार रखेंगे। अगर स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो स्पिन बॉलिंग में इनके पास हैं आदिल रशीद और मोइन अली। आदिल रशीद राइट आर्म लेग ब्रेक करते हैं और जबकि मोइन अली राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। मोइन अली का इनको एक और फायदा है कि वो एक ऑलराउंडर है और बॉलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लियाम लिविंगस्टन की फॉर्म में। लियाम लिविंगस्टन भी पार्ट टाइमिंग बॉलिंग करवा लेते हैं। बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। यार पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप स्टार से भरी हुई है। सबसे ज़्यादा फेमस शाज ब्रदर नसीम शाह और शहीन शाह, दोनों ही बैट्समैन की गिलियाँ उड़ा के रख देते हैं। अगर बात की जाए नसीम शाह की, ये 145 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गेंद को दोनों तरफ अंदर और बाहर की तरफ स्विंग करवा सकते हैं। अगर बात की जाए शहीन शाह फरीदी की तो हर कोई इसके पहले ओवर के विकेट का भाई दीवाना है। ये भी बैट्समैन की गिलियाँ उड़ा के रख देते हैं। इस तगड़े बॉलिंग डुओ का साथ देने आते हैं अपने तीसरा बंदा हारिस रऊफ, जो कि भाई 150
55 किलोमीटर पर आर की बॉल तो यूं ही फेंक देता है। हारिस रऊफ के टो क्रशिंग यॉर्कर्स से तो हर कोई खूब वाकिफ है। बैट्समैन इसके यॉर्कर्स से तो डरता ही डरता है, लेकिन इनके बाउंसर भी उनके होश उड़ा के रख देते हैं। ये तो बात रही फास्ट बॉलिंग की। अगर स्पिन बॉलिंग में बात की जाए तो भाई मैजिकल स्पिनर शादाब खान जो कि लेग स्पिन, गूगली, फ्लिपर सारी वेरिएशंस डाल सकते हैं, और इनका साथ देंगे हमारे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर नवाज। उम्मीद है नवाज इस दफा इंडिया के खिलाफ कुछ तगड़ा ही करेगा, पिछली बार की तरह हारेगा नहीं यार। नंबर वन पोजीशन पे आते हैं माइटी ऑस्ट्रेलियंस। इनकी बॉलिंग लाइनअप 90s से लेके अभी तक सबसे ज्यादा बेस्ट है। उस दौर में भी इनके फास्ट बॉलर्स थे और अभी भी इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास शुरू से ही फास्ट बॉलर्स तो है ही हैं, लेकिन इनके पास स्पिन बॉलर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तेज तरीन बॉलर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, और वो भी बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि स्विंग भी करते हैं। अगर 2023 की बात की जाए तो इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर शामिल है मिचेल स्टार्क। तुम सब जानते हो कि मिचेल स्टार्क वर्ल्ड कप के अंदर मॉन्स्टर है भाई, वो एक मॉन्स्टर है। हम सब जानते हैं कि मिचेल स्टार्क यॉर्कर्स और बाउंसर के अंदर तो परफेक्ट है। इनका साथ देने आ रहे हैं पैट कमिंस। पैट कमिंस राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 145-150 किलोमीटर पर आर की बॉल करते हैं। चाहे इनके पास एक उंगली नहीं है, लेकिन स्विंग इनकी बाकी सबसे बहुत ज्यादा है। और बॉलिंग लाइनअप को कंप्लीट करने आ रहे हैं जोश हेजलवुड। हम सब जानते हैं कि इनकी लाइन लेंथ कितनी अच्छी है। अगर स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो इनके पास स्पिन बॉलिंग के अंदर एडम जैम्पा मौजूद है। एडम जैम्पा भी किसी मैजिशियन से कम नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं। इनकी गूगली का तो कोई जवाब ही नहीं है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में। Bye-bye.